नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं छोटे मोटे कीड़े जानवरों के काटने पर कौन सी दवा जानकारी में रखनी चाहिए ताकि उसको तुरंत लिया जा सके और परिवार में कभी किसी को भी कोई ऐसी दिक्कत हो तो तुरंत दवा दिया जा सके। और होम्योपैथिक दवाइयाँ तो हमने बहुत सी आपको बताई है, तो उन्हीं में से कोई दवा रहती है तो अगर आपके पास आमतौर पर घर पर उपलब्ध ही रहेगी और नहीं रहती है तो आप उसको मार्केट से ले आइए। और जानवरों के काटने का इलाज किस तरीके से करना है मैं आपको दवा बता रहा हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। इसमें सबसे पहली दवा मैं आपको बता रहा हूँ हाइपेरिकम। खटमलों के काटने पर, कुत्तों व अन्यों के काटने पर जबकि घाव ठीक नहीं होता तथा उसमें जलन युक्त व डंक लगने सरीखा दर्द हो और घाव के किनारे चमकदार लाल रंग वाले हों तो हाइपेरिकम दवा देनी है। इसी तरीके से दूसरी दवा मैं आपको बता रहा हूँ एसेटिक एसिड। बिल्ली के काटने पर, चाहे वह पागल हो अथवा नहीं, चीरे घाव तथा पैर का ऊपरी व निचला हिस्सा सूज गया हो तो बाहर से भी लगाना है तो एसिड एसेटिक 30 खाना है और इसके मदर टिंचर को बाहर से भी लगाना है। इसी तरीके से अगली दवा है लाइसिन। कुत्तों के काटने पर जलन, गर्म भाप से राहत, कुत्ते के काटने के कारण सिर दर्द, चूतड़ में तथा निकट के हिस्सों में अजीब सा महसूस होना, चुभना, घाव में ऐसा लगना कि जैसे कोई छेद कर रहा हो तथा जलन महसूस होना तो लाइसिन दवा दी जाएगी। कुत्तों के काटने पर यह तकलीफ होगी तो लेकेसिस, जोंक का काटना, ये ग्रीन किस्म का, जोंक के काटने पर लेकेसिस दवा दी जाती है। यह कुत्ते के काटने की भी प्रमुख दवा है, ये कुत्ते के काटने पर भी इसको लगातार देते रहना चाहिए। सरकारी इंजेक्शन तो लगते ही है उसके, कुत्ते के काटने पर जो भी इंजेक्शन लगते हैं 3-4, लेकिन जैसे तत्कालिक रूप से घर में तुरंत तो इंजेक्शन नहीं अवेलेबल होता तो दवाओं को जिससे आपको घर पे है तो तुरंत ये दवा देना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद आप जो है व्यवस्था कीजिए, इंजेक्शन लगवाइए, लेकिन ये सब दवा देने से कष्ट नहीं होता और वो इंजेक्शन देने से उसके कुत्ते की वो होने वाली बीमारियाँ नहीं होती जो उसके वजह से होती है उसकी काटने से उसकी जगह। उसके बाद है बोलोंड्रीना। यह सांप के जहर का एंटीडोट है। इसके प्रयोग से शरीर सांप के जहर से प्रतिरक्षित हो जाता है। इस प्रकार यह दवा रोग निरोधक है। तो ये सांप के काटने की दवा है बोलोंड्रीना, इसको याद रखें। अगली दवा है लीडम पी। चूहों अथवा बिच्छू के काटने पर लीडम पाल का मदर टिंचर बाहर से लगाएं। इससे बिच्छुओं के काटने पर, शहद की मक्खियों के इत्यादि के काटने पर तत्काल राहत मिलती है। गुस्सा हो गए पशुओं के काटने पर भी तत्काल राहत मिलती है, तो इसके मदर टिंचर को बाहर से लगाएं और 30 पोटेंसी में खिलाएं। इसके बाद सिस्टस कैन। पागल जानवरों द्वारा काटना तथा जहरीले हो गए घावों के मामले में इस दवा को दिया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिका यूरेंस। शहद की मक्खियों के काटने पर बहुत अच्छी दवा। इसका मदर टिंचर बाहर से लगाने पर तत्काल राहत मिलती है। यह ततैया, बर्रैया के काटने पर आर्निका मॉन्ट की तरह काम करती है। इसके साथ ही कैंथरिस 200 भी खाने को दें तो ये ध्यान दें। ततैया, बर्रैया के काटने पर आर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर लगाया जाता है और नहीं तो आर्निका मोन्टाना का मदर टिंचर लगाया जाता है और कैंथरिस 200 खाने को दी जाती है। इसके बाद है होएंग नैन। सांप के काटने पर यह दवा दी जाती है। उसके बाद है सेल्ड्रॉन। सांप के काटने पर अथवा जहरीले कीड़ों के काटने पर सेल्ड्रॉन दवा दी जाती है। आर्निका मॉन्ट। बर्रैया, ततैया के काटने पर आर्निका मॉन्ट का मदर टिंचर बाहर से लगाएं तथा कैंथरिस 200 खाने को दें, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है एपिस मेल। शहद की मक्खियों के काटने पर जबकि शोथ व सूजन होती है, यह दवा शहद की मक्खियां पालने वाले को शहद की मक्खियों को काटने से प्रतिरक्षित बनाती है, इसलिए इस दवा को 1x अथवा 6 डाइल्यूशन में कुछ समय तक ले लेना चाहिए। और ऐसे काटने पर इसका 3200 बहुत तेज काम करता है। मधुमक्खी काटे, बर्रैया काटे, पीली वाली या शहद वाली,
तो एपिस मेल बहुत तेज काम करती है, एपिस मेल लीडियम पैल दोनों अच्छा काम करती है। इसके बाद है इग्नेशिया, बात करते समय अथवा कौर चबाते समय भीतर से गाल कट जाना, खाते समय जीभ कट जाती है, तो इग्नेशिया दवा भी अच्छा काम करती है। इस तरह तकलीफ होने पर आर्निका माउंट 1 mg भी अच्छा काम करती है, लेकिन इग्नेशिया यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि खाना खाते समय या बात करते समय अगर जीभ कट जा रही है तो इग्नेशिया दवा से निश्चित रूप से आराम मिलेगा। गाल कट जाए या जीभ कट जाए दोनों में काम करेगी। इसके बाद ऑरम ट्रिप, नाखूनों को इतना काटना कि उसमें से खून निकलने लगे, तो कभी कभी ऐसी भी गलती हो जाती है काटते काटते आदमी ज़्यादा काट देता है तो उसमें तकलीफ हो जाती है या खून निकल आता है, तो ऑरम ट्रिप फाइलम दवा देनी चाहिए। एसिड फॉस, सोते समय अनजाने में जीभ कट जाना, तो एसिड फॉस दवा दी जाएगी। फिर सेनेगा, गुस्सा हो गए पशुओं द्वारा काटना, गुस्सा हो गए पशुओं द्वारा काटना, सेनेगा दवा दी जाएगी। उसके बाद है कॉस्टिकम, कौर चबाते समय जीभ हुआ गाल काट लेता है, तो कॉस्टिकम दवा दी जाती है। ओलियम एडिमेन, खाते समय गाल काट लेता है, तो यह दवा भी काम करती है। उसके बाद है पायोनिया, ठीक से फिट न होने वाले जूतों के कारण होने वाला अल्सर, सामान्य रूप से होने वाले अल्सर पायोनिया दवा से ठीक होता है। उसके बाद है बेंजोइक एसिड और पायोनिया, खाते समय अनजान में निचला ओट कट जाना, तो ये दोनों दवा बेंजोइक एसिड और पायोनिया लेनी है 10-10 मिनट के अंतर से, सुबह दोपहर शाम आराम मिल जाता है। इसके बाद है यूफोर्बिया प्रोस्टेटा, जहरीले कीड़ों व सांपों खास करके रैटल स्नेक के काटने की अचूक औषधि, याद रखें यूफोर्बिया प्रोस्टेटा। और अंतिम दवा है फाइटोलक्का, दांतों व मसूड़ों को काटने की अदम्य इच्छा, तो फाइटोलक्का दवा से आराम मिलता है। तो दोस्तों इन दवाओं को बताना जरूरी था, तो मैंने सोचा आप लोग बता दूँ, जानकारी में रहता है, कभी कुत्ता बिल्ली काट लिया, चूहा है छू है कोई भी जानवर काट लेता है, तो घर में इन सब दवाओं का रहना आवश्यक है। या इसमें से जो भी दवा अवेलेबल है आपके पास आप तुरंत दे सकते हैं, और लक्षण के हिसाब से कोई दवा आपको ज़रूरी है तो उसको मार्केट से ला करके पिला दीजिए, और फिर उसके बाद एलोपैथिक चिकित्सा विभागी जरूरी हो, तो नहीं तो आपका काम घर बैठे हो जाता है छोटे मोटे जीवों को काटने पर, और उनका साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इस तरीके से आप होम्योपैथिक दवा दे देते हैं तो जैसे कि कुत्ते के काटने का या बिल्ली के काटने का निशान नहीं रह जाएगा, आमतौर पर जानवरों के काटने का निशान रह जाता है, तो इन दवाओं को देने के बाद निशान नहीं रह जाता, एकदम परफेक्टली ठीक है। तो शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।